हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बाय बाय पिगमेंटेशन क्रीम के बारे में। बाय बाय पिगमेंटेशन क्रीम काले धब्बे उम्र के निशानों को कम करता है। ये स्किन पर तेज एक्शन फार्मूले के साथ बना हुआ है। स्किन के लिए बहुत ही सॉफ्ट क्रीम है। इसे मेल और फीमेल दोनों ही लोग यूज़ कर सकते हैं। ये पिगमेंटेशन और काले दाग धब्बों को हल्का करता है, डार्क स्पॉट्स को कम करता है, डार्क सर्कल्स को कम करता है। ये मेलानिन को बनने से स्किन में रोकता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन सांवली लगती है। ये स्किन को टोनिंग करता है, स्किन को हाइड्रेट रखता है, जिससे कि आपकी स्किन, त्वचा आपकी चमकदार दिखती है। और पिगमेंटेशन को हल्का करने में कारगर है, लेकिन ये एक लंबी अवधि की क्रीम है, तो इसको आपको 1-2 साल तो लगाने ही पड़ेंगे अगर आपको इसे अच्छे से इस्तेमाल करना। अगर आपको इसका अच्छा रिज़ल्ट चाहिए तो 1-2 साल आपको इसे लगाना पड़ेगा। और बेहतर स्किन टेक्सचर देता है। इसमें जैतून भी पड़ा हुआ है, जो मेलानिन के उत्पादन को रोकता है। लाइम पर्ल है, जो नई त्वचा विकसित करने में हेल्प करता है। इसमें बी वाइट है, जो पिगमेंटेशन को कम करता है। और इसमें जो लाइम पर्ल है, वो त्वचा की रंगत को निखारता है। इसके इस्तेमाल की बात करें तो यहाँ पे एक नोजल लगा हुआ है, जो इसके साथ मिलता है, इसके पैक के साथ। आपको यहाँ पे ये नोजल लगाना है और मटर के आकार के दाने तक इस सीरम को निकालना है। इसके बाद जहाँ पर आपकी स्किन पे दाग धब्बे हैं, वहाँ पर आपको इसे थोड़ा थोड़ा लगाना है। थोड़ा थोड़ा लगाने के बाद इसे मालिश करके अपनी स्किन में एब्जॉर्ब करना है। आपको इसी क्रीम का यूज़ अच्छे रिजल्ट के लिए दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है। आप सुबह और शाम के टाइम 2 बार इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे स्किन पर लगाने के बाद कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया है। अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट होता है तो आप इसकी इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह लें। इस स्कीम की प्राइस की बात करें तो अगर मार्केट में देखा जाए तो इस स्कीम का प्राइस 515 रुपीज़ है, 550 रुपये है। और अगर आप इसे ऑनलाइन लेते हैं अमेजोन से, तो ये अच्छे रेट में आपको मिल जाएगी। तो ये थी बाय बाय पिगमेंटेशन क्रीम का रिव्यू। और इसमें यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं, आपको क्या क्या कॉशंस रखने हुए यहाँ पे पीछे आपको दिया गया है, ठीक है। और अगर किसी तरीके की स्किन पे एलर्जी दिखती है या पैचेस दिखती है, तो इसे इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी है। और इसी तरीके के और भी क्रीम्स के रिव्यूज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।